हेलो गाइस एंड आज हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर के केबीसी थोड़े क्वेश्चन आंसर। और ये अगर आप केबीसी में आप जाना चाहते हैं तो फिर ये केबीसी में भी काम आएगा। तो फिर चलिए केबीसी को चालू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी तेहरी डैम इज लोकेटेड। कौन सी सिटी में तेहरी डैम है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगर आपने दिया होगा तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस वी गेट फ्रॉम एनिमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटर। इसका सही आंसर बटर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने इसका आंसर दिया हो तो बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा AR आपके लिए नया क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन है, AR रहमान इज फेमस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, म्यूजिक्स, जर्नलिज्म, साइंटिस्ट। तो आप इसका आंसर जानते ही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा म्यूजिक। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया हो तो बहुत बधाई हो। तो नया क्वेश्चन आ चुका है, हु क्रिएटेड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1969 विद डेनिस रिच। इस बी बजरा ऑप्शन है बजराने स्ट्रॉस्ट्रप, कैन थॉमसन, स्टीव वाजनिका और हैं निकालस विल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कैन थॉमसन स्पन। ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनिस। आपने अगर सही आंसर लिया हो तो बहुत बहुत बधाई हो। अब नया क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ रेप्टाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोकोडाइल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोकोडाइल। नया क्वेश्चन है, विच इज द वॉलेट मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया हो तो बहुत अच्छा है। हु फाउंडेड हॉटमेल इन 1996 एंड देन सोल्ड द कंपनी टू माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ए शॉन फैनिंग, ऑप्शन बी सबीर बहतिया, ऑप्शन सी अदा बैरन लॉवेलेस, ऑप्शन डी रे टॉमलिंसन। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका नया क्वेश्चन आ चुका है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था बी। तो नया क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सन। इसका हो जाएगा सही आंसर विटामिन डी। आप विटामिन डी को लगा दीजिएगा। और अब आ चुका है नया क्वेश्चन, विच कंट्री फॉलोज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इन टोटल नंबर ऑफ। हु कंट्री फॉलोज द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। का ए ऑप्शन है ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जापान। तो हमें इसका आंसर नहीं आ रहा, तो चलिए 50-50 भी देख लेते हैं। अब मेरे को लग रहा है इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए। अरे हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो फिर हम 1,06,000 जीत चुके हैं। तो फिर आप कितना जीत पाए आप ज़रूर बताना। आपका सही आंसर, आपका सारा आंसर सही हुआ या गलत हुआ। और आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपको अगली बार हिंदी में चाहिए भी या नहीं। तो फिर
चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।